अच्छा, ये जिस तरह से इस वक्त आ रही है 97.6% यानी 97.6% इससे 98 हो गया, गाड़ी के अंदर हीट आ रही है। अगर ये हम लगाते हैं यहाँ पे तो कितना फर्क आता है इसके अंदर, ये भी आपको दिखाते हैं। ये नजर, ये इस वक्त देखिए 18 से 19% पे आ गया है, ये वो 70 से 75% हीट की कमी हो जाएगी। ये ट्रांसपेरेंट पेपर है, ठीक है, और इसमें मेरे पास डिफरेंट शेड्स भी आते हैं, ट्रांसपेरेंट भी है, मीडियम भी है, डार्क भी है, वो आपकी मर्जी, आप किस पेपर में लाना चाहते हैं। कैबिन से आपका जल्दी ठंडा होगा तो एसी जल्दी ट्रिप करेगा, तो आपके इंजन पे लोड कम पड़ेगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं राहिल गिल, और नाज़रीन आज मैं गाड़ी में बैठा हूँ, और गाड़ी में क्यों बैठा हूँ वो इसलिए बैठा हूँ क्योंकि गाड़ी का बहुत सारे लोगों का मसला है, क्योंकि गाड़ी के अंदर जब धूप होती है तो इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है कि गाड़ी के अंदर बैठना दुश्वार हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, और एसी भी बहुत देर में गाड़ी को ठंडी करता है। तो गाड़ी को ठंडा रखने के लिए क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या करना चाहिए कि गाड़ी आपकी ठंडी रहे, तो इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं असद बुखारी साहब, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा असद भाई, मुझे बताएं सबसे पहले तो सोलर स्क्रीन है क्या, और सोलर स्क्रीन वाले करते क्या हैं? सर हम सोलर स्क्रीन की हीट कंट्रोल विंडो फ्रेम्स होती हैं, ये घरों में कार्स दोनों जगह अप्लाई हो रही होती हैं। इसमें दो डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजी आती है, एक नैनो सेरेमिक और नैनो मेटालिक। ठीक है। इस प्रोडक्ट की हम 10 इयर्स की वारंटी देते हैं। मार्केट में आजकल रीसेंट अभी पेपर आना शुरू हुआ है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है, और मैंने आपको अभी पहले भी टेस्ट करवाए थे, ठीक है। अभी हम मेरे पास BTU मीटर मौजूद है, और मैं अभी आपकी गाड़ी में आपको टेस्ट करवाऊँगा कि विदाउट पेपर कितने परसेंट BTUs आ रहे हैं, ठीक है, और आफ्टर पेपर कितने परसेंट उसने ड्रॉप कर दी है हीट को। ये इस वक्त BTUs बता रहा है कि पर स्क्वायर फीट हीट आपकी गाड़ी में कितने BTUs आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जिस तरह से इस वक्त आ रही है 97.6% यानी 97.6% इससे 98 हो गया, गाड़ी के अंदर हीट आ रही है, हीट आ रही है, ठीक है। जब पेपर लग जाएगा तो इसका, अगर हम इस वक्त थोड़ा सा डेमो देखें, हम गाड़ी में आपको पेपर लगाता हुआ दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त अगर हम डेमो देखेंगे, ये पेपर मैं आपको दिखा सकते हैं, हम ये पेपर है, ये देखिए जी, ये क्लियर ट्रांसपेरेंट पेपर है, ये देखें, अगर ये हम लगाते हैं यहाँ पे तो कितना फ़र्क आता है इसके अंदर, ये भी आपको दिखाते हैं। दिखाइए नज़र, ये इस वक्त देखिए 18 से 19% पे आ गया है, ये जो हीट है वो कम हो गई है, यानी कि आपकी गाड़ी के अंदर जो है वो 70 से 75% हीट की कमी हो जाएगी। अब हम आपको जब किस तरह से इंस्टॉल होगी वो भी दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, सवाल ये है कि ये जो पेपर है, ये गाड़ी पूरी गाड़ी पे लगेगा, कहाँ लगेगा जिससे हीट कंट्रोल? ये पूरी गाड़ी पे अप्लाई होता है, विंड स्क्रीन, बैक स्क्रीन, चारों डोर्स और क्वार्टर्स, यानी कि शीशों पे? जी, शीशों पे, पूरी गाड़ी पे अप्लाई। और अगर सनरूफ हो? सनरूफ पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, ये हर गाड़ी पे लग जाता है, छोटी बड़ी? बिल्कुल। अच्छा, ये पहले मुझे इसमें डिफरेंट बता दे कि जो गाड़ी टिंट करवाते हैं और इस पेपर में फ़र्क क्या है? ये ट्रांसपेरेंट पेपर है, ठीक है, और इसमें मेरे पास डिफरेंट शेड्स भी आते हैं, ट्रांसपेरेंट भी है, मीडियम भी है, डार्क भी है, वो आपकी मर्जी, आप किस पेपर में जाना चाहते हैं। अगर आप डार्क पेपर जो सा है वो लगवाना चाह रहे हैं, आप उसके पास उसका परमिट मौजूद है, तो आप डार्क पेपर लगा लें, ठीक है। अदरवाइज हमारी रिकमेंडेशन हमेशा ट्रांसपेरेंट पेपर होती है, क्योंकि हमारा काम हीट को रोकना है, ठीक है। अच्छा जी, तो गाड़ी के अंदर जो है वो पेपर लग चुका है, और मेरी गाड़ी की जो है
ये समझ लें कि आप बहुत ज़्यादा हीट जो है वो कम हो गई और एसी की परफॉर्मेंस एकदम से बढ़ जाती है कि आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो एक क्विक सेकंड्स के अंदर आपकी गाड़ी ठंडी हो जाती है। अच्छा सत भाई, मुझे ये बताएं कि जब ये इंस्टॉल हो गया जैसे, तो अब मेरी गाड़ी के अंदर क्या क्या फ़र्क पड़ेगा? सबसे पहले तो वो एक कराची में बड़ा ट्रेंड चलता है कि लोगों ने डैशबोर्ड पे वो कपड़ा रखा होता है। अब अगर आपने नहीं रखा है ठीक है, अगर रखा है तो उसे निकाल के बाहर फेंकेंगे ठीक है, क्योंकि आपका यूवी रेस इंटीरियर फेड होता है। अब ये 99% यूवी रेस को ब्लॉक कर रहा है। एक ये बेनिफिट में आ गया, आपकी हीट रुक चुकी है, दो चीजें हो गई, और वो जो स्किन डिजीजेज होती हैं क्योंकि अल्ट्रावायलेट की वजह से, आज अगर आज का टेम्परेचर आप देखें तो इस वक्त जो यूवी है उसका इंडेक्स 11 पे चल रहा है, ठीक है, बहुत हाई है यूवी रेस। उसके अलावा क्या होगा कि जब आपकी गाड़ी जल्दी कूल होगी, एसी बहुत जल्दी परफॉर्म करेगा, तो आपका एसी जल्दी ट्रिप करेगा, गाड़ी कैबिन से आपका जल्दी ठंडा होगा तो एसी जल्दी ट्रिप करेगा, तो आपके इंजन पे लोड कम पड़ेगा, तो एक इंजन की लाइफ भी बढ़ेगी और गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट भी होगी, यानी कि आपकी फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ी जो है 8 किलोमीटर दे रही है तो कम से कम 9 पे तो आ ही जाएगी। ऑब्वियसली देखें ना, जिसने आप विदाउट एसी एसी का फर्क पड़ता है, तो अगर आपकी गाड़ी जैसे ही वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करता है क्लाइमेट कंट्रोल, तो उसके बाद वो ट्रिप करता है ठीक है, जब जैसे उसने वो टेम्परेचर जो आपकी रिक्वायरमेंट है रिक्वायर्ड टेम्परेचर उस पर आएगा ट्रिप करेगा, तो आपकी फ्यूल गाड़ी जो सी है कम कंज्यूम करेगी, ठीक है। असद भाई, अब जाने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे SUVs गाड़ी हैं, सेडान है, और ये छोटी हैचबैक्स हैं, इनमें क्या खर्चा आता है, एक नॉर्मल रफली कितना खर्चा आएगा? देखिए ग्लास साइजेस ये ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते, करीब करीब ही होते हैं, लेकिन हमने गाड़ियों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक जो हैचबैक है, चाहे वो मेहरान से लेकर स्विफ्ट हो, कल्ट्रस हो, एक्वा हो ठीक है, इन गाड़ियों को हम पूरी गाड़ी का विंड स्क्रीन, बैक स्क्रीन, चारों डोर्स और क्वार्टर का 16,000 चार्ज करते हैं। हम सेडान कैटेगरी में यारस से लेकर सोनाटा तक ठीक है, मतलब जितनी भी सेडान कैटेगरी में गाड़ियां आती हैं उनका हम 18,500 चार्ज कर रहे हैं, और जो आपकी क्रॉसओवर आ गई हैं उसका हम 21,000 चार्ज करते हैं, जिसमें आपकी एमजी स्पोर्टेज ये हो, और फिर आपकी लार्ज एसयूवीज जब आ जाती हैं लाइक वो लैंड क्रूजर हो जाए, वीगो हो जाए, या फॉर्च्यूनर हो गई, इनका हम 23,500 चार्ज करते हैं। यानी कि इतना ज्यादा फर्क नहीं है? नहीं फर्क। तो अगर आप हिसाब लगा लें तो अगर आपकी छोटी गाड़ी, तो मेरे को 15-18 हज़ार के अंदर आपका काम बेहतरीन हो जाएगा, जिसके अंदर आप ये समझ लें कि 4 से 5 महीने, बल्कि मेरे ख्याल 6 महीने गर्मी रहने वाली है, तो 6 महीने में आपका फ्यूल कितना बचेगा, आपकी गाड़ी की लाइफ बढ़ेगी, आप खुद गर्मी से बचेंगे, गाड़ी जल्दी कूल होगी, आपकी गाड़ी के एसी का काम नहीं निकलेगा। सबसे बड़ा ये होता है कि गाड़ी के एसी का काम निकल आता है, वो निकल आता है तो 20-25 हज़ार जो है सिर्फ एसी पे लग जाता है, वो पैसे बचेंगे। तो आप ये लगा लेंगे 6 महीने में आप जितने पैसे इस पे लगा रहे हैं उससे ट्रिपल बचा लेंगे, ऐसा ही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। थैंक यू सो मच असद भाई, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और जितने लोग वहाँ देख रहे हैं, अगर लगाना चाहते हैं तो सोलर स्क्रीन का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पे जाकर आप नंबर ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और इनसे अपनी गाड़ियों में ये पेपर लगवा सकते हैं ताकि आप भी गर्मी से बच सकें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, जान से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं हूं राहिल गिल, खुदा हाफिज़।